गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.6 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर। नाउ लेट y इक्वल fx, देन dx ऑफ y इक्वल fx, अगेन d2 dx2 y, और ddx of y is equal to f double dash x. This is the second derivative. It is denoted by d2y or y double dash or y2 if y equal fx. हाँ देखिए, इसको d2y और y double dash और y2 if y equal fx इस तरह से रिप्रेजेंटेड करते हैं। It is denoted by इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो देखिए एग्जांपल एक पहले, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे। जैसे y इक्वल है x पावर 3 टेंजेंट x, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड d2y dx2। तो देखिए यहां से पहले इसको डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x² और इसका आएगा सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। अगली बार में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 × x² का होगा 2x और sec स्क्वायर का होगा 2 sec x, और सेकेंड x का क्या होगा, सेकेंड x और tangent x। हाँ देखिए यहां हो जाएगा सेकेंड x tangent x, तो दिस इज इक्वल टू 6x + 2 sec² x tangent x, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक देखिए एग्जांपल नंबर इसमें 41 है, पहले इसको भी देख लीजिए। एग्जांपल 41 है y इक्वल इनवर्स ऑफ साइन x, सो दैट 1 − x² d2y / dx2 x ddx of y इक्वल 0। हाँ तो देखिए इसमें इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, वी हैव y इक्वल इनवर्स ऑफ साइन x, तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे ddx of y = sin inverse x, और इसका डेरिवेटिव होता है √1 − x², ठीक है। अब दिस कैन बी रिटन एज ddx of y, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग √1 − x² ddx of y = 1। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट सेकेंड, इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकेंड, डिफरेंशिएट बाय प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट
रिस्पेक्ट टू बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। तो देखिए कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, हाँ। इसके बाद फिर इसका रिलेटिव देखिए कैसे करेंगे, हाँ। अब देखिए आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट इनटू सेकंड का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे प्लस, फिर सेकंड लिखेंगे और फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाय 2 माइनस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस 2x आएगा और राइट में 0। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, यहां से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए इसका पावर हाफ है और यहां भी इसका पावर हाफ आएगा। ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ वाई को 0। तो और यहां एक एक्स बच रहा है तो इस एक्स को यहां लिख लेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो हाफ पावर मिलके 1 पावर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई को 0। तो ये आपका यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया। हाँ देखिए इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, हाँ देखिए एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें फाइंड करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लेट y को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव आप एक बार करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और दिस डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 3x डी डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, तो दिस गिव्स 2x एंड प्लस, यहां से देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, x का आएगा 1 डेरिवेटिव और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो दिस गिव्स 2x प्लस 3, तो दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टू डी एक्स टू ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2।
अब यहां से आप देखेंगे यहां पर डेरिवेटिव तो करेंगे 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, तो 2x x कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 तो 2 रहेगा ये मल्टीपल में है और इसका 0, तो दिस आंसर इज 2. तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स
फाइव कॉस कोसाइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स. प्रूव दैट डी टू आई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल जीरो. हाँ देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कोसाइन का क्या होगा माइनस साइन एक्स और यहां आएगा फाइव. इसका डेरिवेटिव जब करेंगे थ्री कोस साइन का क्या होगा कोसाइन होगा. अगली बार साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा साइन का कोसाइन होता है और कोसाइन का माइनस होता है प्लस थ्री साइन एक्स. ठीक है और इस तरह से आप देखेंगे यहां माइनस फाइव कॉमन हो जाएगा माइनस कॉमन हो जाएगा माइनस थ्री साइन एक्स माइनस और ये वैल्यू किसके है वाई के इक्वल. तो दिस इज वन यूजिंग इक्वेशन वन. सो डी टू आई डी टू डी एच टू ऑफ वाई प्लस वाई को जीरो. ये माइनस वाई ट्रांसफॉर्मिंग राइट टू लेफ्ट देन गिव्स रिजल्ट हेंस टू dx of
x square plus 1 ddx of y or 2 ddx of tangent inverse x. तो देखिए यहां प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट सेकंड का, तो x स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव होगा प्लस फिर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2x और ये हो जाएगा 2 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ठीक है, हाँ, अब देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस और इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ऑन मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर प्लस 1 बोथ साइड्स ऑन मल्टीप्लाइंग both sides x square plus 1. x square plus 1 से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, multiply करेंगे. तो देखिए आएगा x square plus 1 का whole square, इसको हम y2 लिख सकते हैं और इसमें 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 हो जाएगा और राइट में 2 आ जाएगा. ठीक है, तो देख रहे हैं ये आपका रिजल्ट आ गया. तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल नंबर 40 है. अगर आप 14 की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल नंबर 40 अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है. एग्जांपल नंबर 39 एंड 14 आप पहले एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल नंबर 39 एंड 40 आप करेंगे, जब नहीं आएगा तो कल बता देंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Have a nice day.